बात करें देवरा के सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, फिल्म सेकंड डे जो है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई है कि फिल्म का तेलुगु वर्जन काफी हद तक गिर चुका है, 53% का ड्रॉप रहा है। आप कोई सी भी बड़ी साउथ मूवी उठाकर देख लो, सेकंड डे जो कलेक्शन आता है उनका वो यहाँ पे कम ही आता है, क्योंकि पहले दिन फिल्म जो है काफी अच्छे कलेक्शन करती है। फर्स्ट डे पे साउथ फैन जो रहते हैं अपने स्टार के लिए ना थिएटर में देखने के लिए जाते हैं, जब भी उनके कलेक्शन में काफी हद तक ग्रोथ देखने को मिलती है। आप बॉलीवुड मूवी को देख लो, उनका फर्स्ट डे जो है अच्छा रहता है, लेकिन जब भी अच्छा रहता है मूवी का जो है हाइप ज्यादा हो, लेकिन साउथ मूवीज में तक कोई भी मूवी आया ना तो वो पहला दिन जो बहुत बढ़िया मैग्नीट्यूड से यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करती है, लेकिन सेकंड डे जो है फिल्म का जो है काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है और इस चक्कर में से कलेक्शन में भी काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में, फिल्म के तेलुगु वर्जन से बात करते हैं, फिल्म के तेलुगु वर्जन की ऑक्युपेंसी काफी अच्छी रही थी, तेलुगु वर्जन की ऑक्युपेंसी लगभग जो है 35% की रही थी, जिस वजह से इसके कलेक्शन में जो है यहाँ पे 53% का ड्रॉप देखने को मिला। बात करते हैं सेकंड डे के कलेक्शन के बारे में, फिल्म के सेकंड डे पर फिल्म ने जो है तेलुगु वर्जन 27 करोड़ 55 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है, पहले दिन फिल्म 76 करोड़ का यहाँ पे कलेक्शन किया था, दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 53% का ड्रॉप देखने को मिला। दूसरे दिन फिल्म में जो 27 करोड़ 55 लाख रुपया कलेक्शन किया गया, हिंदी वर्जन ने जो है यहाँ पे 2 करोड़ की यहाँ पे जो है ग्रोथ दिखाई है, जी हाँ यहाँ पे 20% की ग्रोथ दिखाते हुए हिंदी वर्जन ने 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया। फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन हिंदी वर्जन में 7 करोड़ रुपए रहा था, तो हिंदी वर्जन में तो फिल्म काफी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन कर रही, 3 दिन तो फिल्म आराम से 30 करोड़ तक का कलेक्शन कर जाएगी, लेकिन जो है तेलुगु वर्जन में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला, जिस वजह से फिल्म के कलेक्शन में काफी ज्यादा डाउनशिप देखने को मिले, डाउनशिप की वजह से फिल्म के 53% का यहाँ पे जो है ड्रॉप देखने को मिलेगा। बात करें फिल्म के तमिल वर्जन की, तो फिल्म के तमिल वर्जन में पहले दिन जो है 90 लाख रुपीज का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म का 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन रहा। जी हाँ, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ग्रोस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रोस कलेक्शन में जो है यहाँ पे टैक्सेस लगे रहते हैं, लेकिन टैक्सेस कटने के बाद जो नेट कलेक्शन मेकर्स को मिलता है, मैं उसी कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे फिल्म के मलयालम वर्जन में, तो मलयालम वर्जन में भी वही यहाँ पे 25 लाख रुपया कलेक्शन किया है। मलयालम वर्जन जो है यहाँ पे काफी बेकार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फिल्म के सेकंड डे फिल्म ने जो है काफी अच्छा कलेक्शन नहीं किया, वहाँ पर 25 लाख रुपीज का यहाँ पे कलेक्शन आएगा। पहले दिन मलयालम वर्जन ने 30 लाख रुपया कलेक्शन किया था, दूसरे दिन फिल्म के मलयालम वर्जन ने जो है 25 लाख रुपया कलेक्शन किया। बात करें फिल्म के कन्नड़ वर्जन के बारे में, तो कन्नड़ वर्जन ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया होगा, 35 लाख रुपया कलेक्शन किया है। आप समझ सकते हैं कि तमिल और मलयालम वर्जन दोनों ही जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, दोनों के परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डाउनशिप देखने को मिल रही है और ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मेन जो इसका मेन मार्केट है तेलुगु मार्केट, वो ही काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलाएगा, तो 53% का ओवरऑल जो है ड्रॉप देखने को मिलाएगा तेलुगु वर्जन के मुकाबले। जी हाँ, तेलुगु वर्जन में 53% का ड्रॉप आएगा और ओवरऑल जो है 52 से 53% का ड्रॉप देखने को मिला है फर्स्ट डे के मुकाबले। अब देखा है तो फिल्म में जो है काफी मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई, डिसेंट परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अभी तक की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने जो है अभी तक ओवरऑल जो है 120 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को लगभग जो है 400 करोड़ लगभग का कलेक्शन करना होगा, जिसका ग्रॉस लगभग होता है 600 करोड़ रुपए। तो जब ये मूवी जो है एक सुपर डुपर हिट साबित होगी, एटलीस्ट 500 करोड़ का तो फिल्म कलेक्शन करना है ग्रॉस, जब ये फिल्म जो है एक ओवरऑल हिट साबित होगी। फिल्म ने जो है यहाँ पे तेलुगु वर्जन से जो है 100 करोड़ रुपए कलेक्शन किया, हिंदी वर्जन का जो है 16 करोड़ रुपए रहेगा, तमिल वर्जन से फिल्म ने जो है 2 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, कन्नड़ा वर्जन से सिर्फ मात्र 70 लाख रुपए का कलेक्शन रहा और मलयालम वर्जन से 65 लाख रुपए का कलेक्शन रहा। तो ओवरऑल फिल्म ने जो है 120 करोड़ 60 लाख 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो देखते हैं फिल्म तीसरे दिन क्या यहाँ पे जंप दिखाती है, तीसरे दिन में फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलता है। ओवरऑल फिल्म ने जो है काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई, फर्स्ट डे तो ओवरऑल मैग्निफिसेंट रहा था, लेकिन दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन में काफी ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा था, जिस वजह से इसे कलेक्शन में भी काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। देखते हैं फिल्म तीसरे दिन कितना बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करती है। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।